दस बातें जो मनुष्य को सुखी रखती हैं। जय श्री कृष्णा दोस्तों। दोस्तों, एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, आज हमें आप ऐसी कुछ शिक्षा दीजिए जिससे हम जीवन में सुखी रह सकें, और अगर कोई व्यक्ति उन शिक्षाओं को धारण करे तो उससे उसके जीवन में सुखों का आगमन हो सके। गुरु ने कहा, हे शिष्य, आज तुमने बहुत ही अच्छे विषय में चर्चा किया है। मैं तुम्हें ऐसी 10 बातें बताता हूँ जो तुम्हारे साथ कोई भी व्यक्ति अगर उन बातों को जान ले तो उसके जीवन की रूपरेखा बदल जाएगी। दोस्तों, यह बातें आपके जीवन में बहुत ही उपयोगी हैं। वीडियो में अंतिम तक बने रहें। गुरु ने कहा, हे शिष्य, ध्यान से सुनो। जो अज्ञानी है, जिसमें ज्ञान नहीं है, ऐसे व्यक्ति से कभी भी नहीं उलझना चाहिए और ना ही अज्ञानियों से बहस करना चाहिए, क्योंकि अज्ञानी व्यक्ति बैल के समान होता है। वह सिर्फ आकार में बड़ा दिखता है, परंतु उसके अंदर ज्ञान नहीं होता। वह अज्ञानता के अंधकार में डूबा रहता है। इसलिए अज्ञानियों से उलझने या बहस करने से अपना ही समय नष्ट होता है एवं अपनी ही हानि होती है। हे शिष्य, दूसरा है क्रोध। क्रोध व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु होता है। क्रोध वह दहकती हुई आग है जिसमें क्रोध करने वाला भी उसी आग में जल जाता है। इसलिए मनुष्य को क्रोध से बचना चाहिए। तीसरा है ईर्ष्या। किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष रखने से मनुष्य को खुशी प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि ईर्ष्या व्यक्ति के मन की शांति को भंग कर देता है। चौथा है शंका, अर्थात शक। बेवजह शंका करने वाला व्यक्ति अपनी ही खुशियों को अपने ही हाथों खत्म कर देता है। इसलिए बिना वजह के शंका करने से व्यक्ति को बचना चाहिए, क्योंकि शंका लोगों को अलग कर देता है। पांचवा है दुख। मनुष्य के जीवन में ना ही दुख स्थायी है और ना ही सुख स्थायी है। दुख और सुख मानव जीवन में आते जाते रहते हैं। व्यक्ति को बुरा समय आने पर उसका डटकर सामना करना चाहिए और दुख रूपी अंधेरे को खत्म करके उज्ज्वल प्रकाश रूपी सुख की खोज करना चाहिए। हे शिष्य, छठवां है समय। मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। इसलिए जो बुरा समय बीत गया हो, व्यक्ति को वह बीता हुआ समय याद नहीं करना चाहिए। मनुष्य को वर्तमान में रहकर कर्म करना चाहिए एवं समय के महत्व को जानना चाहिए, क्योंकि समय के पास इतना समय नहीं है कि वह व्यक्ति को दोबारा समय दे सके। इसलिए समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। सातवां है सत्य। तीन चीज़ें ज़्यादा देर तक नहीं छुपती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। सत्य परेशान हो सकता है, परंतु वह पराजित नहीं होता। इसलिए सत्यता के साथ ही मनुष्य को रहना चाहिए। आठवां है स्वास्थ्य। मनुष्य अपने अच्छे और बुरे स्वास्थ्य का जिम्मेदार स्वयं होता है। अगर मनुष्य का स्वास्थ्य खराब हो जाए तो उसे दुनिया की सारी खुशी फीकी लगती है। इसलिए सुखी रहने के लिए मनुष्य को अपनी सेहत का ख्याल अवश्य रखना चाहिए एवं खान पान और दिनचर्या का ध्यान रखना चाहिए। अगला है आध्यात्मिक जीवन। जिस तरह बिना आग के दीपक नहीं जलता, उसी प्रकार आध्यात्म के बिना मनुष्य के जीवन में प्रकाश नहीं होता। हे शिष्य, अगला है ईश्वर। इस संसार में कोई भी चीज़ें बिना कारण के नहीं बनी हैं। इस संसार के रचयिता, संसार के पालक भगवान श्री हरि नारायण के चरण कमल में मेरा बारंबार प्रणाम है। मनुष्य को अगर सुखी पाप मुक्त जीवन बिताना है तो सत्यता के साथ चलकर लक्ष्मीपति श्री हरि विष्णु का ध्यान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जिस घर में भगवान विष्णु की पूजा आराधना होती है उस घर में माता लक्ष्मी का वास स्वयं ही हो जाता है। इसलिए ईश्वर में जिस मनुष्य का विश्वास है, जो व्यक्ति नारायण पर विश्वास करते हैं, नारायण को मानते हैं, उन व्यक्तियों के जीवन की नाव को भवसागर से भगवान श्री हरि विष्णु पार लगा देते हैं। इसलिए ईश्वर पर मनुष्य को विश्वास करना चाहिए। दोस्तों, आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, वीडियो को एक लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।